पहले स्थान प्राप्त करने की। दोनों टीमों ने अच्छा गेम शो किया इस पूरे श्रृंखला में बहुत, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सूरज देवता का आगमन हो चुका। दर्शकों के लिए राहत की सांस। पहली सर्विस हिमांशु पांच नंबर के किट में उतना ही खूबसूरत हाथ रखा, क्या बात है। जहां से कल ने छोड़ा था वहीं से आज मुजफ्फरनगर के खिलाड़ी आरवी सैनी ने शुरुआत की। काउंटर अटैक, पहली पॉइंट अपनी टीम को दिलाया। मुजफ्फरनगर एक, हरियाणा जीरो। तो ये जो लड़ाई है सम्मान की लड़ाई है, जो टीम इसमें से जीतेगी टॉप, जो पुल बना है उस पुल में पहले पायदान पर पहुंच जाएगी। बड़े भैया आलोक राय जी, आप हमारे बड़े भैया आयोजन करते अध्यक्ष प्रेम शंकर राय जी से तुरंत त्वरित संपर्क करें। तो मुजफ्फरनगर ने यहाँ बढ़िया शुरुआत की है, सर्विस चेंज कराने में कामयाब हरियाणा की टीम। कमाल का मैच होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही टीमें आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ती हुई, और दिल थाम के बैठिएगा, दर्शकों से गुजारिश है ये भाई वोल्टेज मैच देखने को मिल सकता है। वो आता ही बेहतरीन, उतना ही बढ़िया था। एक नंबर जर्सी का शैलेश नाम का ये खिलाड़ी अपना परचम लहराता हुआ। लात मत लगाओ, ऊंचा को बना रखो, रखल बात लात मत लगाओ, लग जी के उठा लेना है, तगड़ा चल नहीं रोक तो बड़े होते, लेकिन हां रोक हाथों से मार दो। तो दोस्तों ये मुकाबला मुजफ्फरनगर दो हरियाणा दो, और फिर अंदर प्लेस में बन सके अब ब्यूटीफुल हैंड भाई मुजफ्फरनगर नाउ 3-2 3-2 का स्कोर हिमांशु प्रसाद फिर सारी बहुत हिमांशु अच्छी सर्विस से सही पास किया और ये संभाल लिया गया वहां पे पड़ता फिर और काउंटर आई करने से बेहतरीन मैंने कहा शैलेश बेहतरीन खेल शैलेश दिखा रहा है टीम के लिए दो और तीन हरियाणा दो मुजफ्फरनगर के पुरुष स्वर्गीय राजेंद्र नाथ राय एवं स्वर्गीय पंडित श्याम सुंदर मिश्र स्मृति वॉलीबॉल टूर्नामेंट का दूसरा दिन और ये आप देख रहे हैं कि बेहतरीन खेल दोनों टीमें दिखा रही हैं। यहाँ पे एक दिलकश नजारा पेश करता हुआ ये मुकाबला यहाँ पे तीन और वसीम अकरम और शाहिद खान दोनों लाजवाब स्कोरर दोस्त हैं। हिमांशु बेहतरीन खेल दिखाया है इस पूरे मुकाबले में, जिसमें तो फिर आप देख रहे हैं कि राजेश कुमार राय श्री श्रीराम ट्रेडर्स के मालिक हमारे बीच आ चुके हैं। एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे है, दिलकश नजारा पेश करता हुआ यह मुकाबला प्रेम शंकर राय पेंडुल राय के मुकाबला कामयाब हो रहा है। हल्का सा जरूर प्राप्त देना चाह रहे वहां पे फिर तेज प्रहार किया, नतीजा ये हुआ कि अपने मिशन में कामयाब हुई हरियाणा। ये जबरदस्त अंदाज में ये मुकाबला आपके सामने चल रहा है मुजफ्फरनगर, और अंपायर के दोस्त विशेष हो चुकी है कि ये अब मुजफ्फरनगर के पाले में है। तीन और दो, तीन दो, एक अच्छा मुकाबला आपके सामने चल रहा है। पीछे ये अच्छी सर्विस सही पास किया, और आप देख रहे हैं कि हल्के से वहां पे जरूर ट्राई था लेकिन पूरी कोशिश संभालने की गई, कामयाब नहीं हुए सभी चेंज। तो कमेंट बॉक्स में आज मैं देख रहा हूं कि सुजीत सान, मुजीबुर रहमान, सुशील त्रिपाठी और तिवारी, सुशील तिवारी, और आप देख रहे हैं कि आप हमारे बीच श्याम बाबा सर्विस सर्विस चेंज, और मैं आप तो दोस्तों
इनका भी एक अपना चैनल है सुशील तिवारी साहब का, जो मैं देख रहा है कि ये बहुत खूबसूरती के साथ बेहतरीन काम को अच्छा देते हुए फिर कमलेश और अच्छा पास किया वहाँ पे हल्का सा किसान का मिठाई कर बैठे यहाँ पे मुजफ्फरनगर। आप देख रहे हैं कि सब इसको चेंज कराया हरियाणा, हरियाणा सब इसको चेंज कराने में कामयाब हुआ। तो और तीन के स्कोर पे दो तीन के स्कोर पे तैयार होते हुए मुताबिक सर्वर और ये बहुत अच्छे सर्विस और ये लवली स्मैश और सभी को चेंज करने का गया सुशील पांडे और श्याम बाबा। हाँ भाई सुशील पांडे जी बताएं या श्याम बाबा की कौन टीम जीतेगी कि भविष्य थोड़ी बड़ी सही निकलती है सभी। अगर बात करें दोनों टीमों की तो वर्चस्व की लड़ाई है और कौन जीतेगा कौन हारेगा एक हाफ के बाद बता सकते हैं। तो दोस्तों ये अभी एक सेट हो जाएगा उसके बाद फिर सॉरी होगी दोस्तों। तो मैं चार और दो के स्कोर पे देख रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर चार हरियाणा दो। बहुत तेज आक्रामक खेल दिखाती थी हरियाणा हर मुकाबले में। सर्विस यहाँ पे चेंज हुई एरर सर्विस। दर्शकों आपका शुक्रिया जो वक्त निकाल कर यहाँ पे आ रहे हैं इस मोमेंट में चार चार लगाने के लिए। तो प्रेम शंकर राय कुंटल राय के मोमेंट अब कामयाब है, कामयाबी सफलता की ये जमानत है, कुंजी सफलता की दर्शक यहाँ पे। और ये ट्रेल नंबर आए लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लंबा बैठे पॉइंट खेल में कामयाब हरियाणा तीन और चार तीन चार सुजीत पॉइंट में पूरा हरियाणा जलवा खेल रहे हैं मुजीबुर रहमान सुशील त्रिपाठी सुशील पांडे वहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम दबाएंगे। और ये शैलेश बहुत अच्छे अंदाज में अपने काम को अंजाम दिया चार बराबर दो टीम का स्कोर बराबर यहाँ पे चल रहा है। बड़ा प्यारा मुकाबला यहाँ पे आपके सामने चल रहा है दोस्त जबरदस्त ये दिलकश मुकाबला आपके सामने है। एक मुताफिर आए हिमांशु और अच्छा डिपेंड किया गया वहां पे हम देख रहे हैं कि ये अंडर मिस्टर बैठे सर्विस चेंज हुई चार बराबर के स्कोर पे चार बराबर के स्कोर पे। इस संरक्षक है प्रमोद कुमार मिश्र कोषाध्यक्ष सत्यम राय उपाध्यक्ष शरद चंद्र राय रवीश राय उपेंद्र यादव आलोक राय यो आयोजन करता हिमांशु और पीछे दास ना दिख रहे किस मुकाबले को देखा जा रहा है। और फिर देख रहे अदीब और हिमांशु सर्विस चेंज चार बराबर के स्कोर पे हरियाणा चार मुजफ्फरनगर चार चार बराबर के स्कोर ये खूबसूरती के साथ अपने खेल को निकाल रहे हैं। विश्वजीत शांत जरा सा पेन ला के देखो यहाँ पे लिख जाएगा। तो दोस्तों ये मुकाबला चार और चार पे खेला जा रहा है। अक्रम वॉलीबॉल यूट्यूबर और मुर्शिद वॉलीबॉल यूट्यूबर पूरा लाइव इस वीडियो को दिखाना चाह रहे हैं इसे कैद कर रहे हैं। हल्का सा क्रॉस किया था वीर ने लेकिन ये शैलेश गुड ब्लॉक किया वहां पे वीर सुशील तिवारी भी मैंने कहा हूं कि यूट्यूबर है और ये बहुत सारे वीडियो अपलोड करते हैं और इनकी वीडियो को बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। हिंदुस्तान के बाहर भी इनकी वीडियो बहुत चर्चित है ये और पॉइंट सिक्स विनय कुमार मिश्र और पुराना बाबा वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण जीतने वाली टीम को ₹500 के इनाम दिया जाएगा। ये रमेश भैया है इनाम जमा कर ले विनय कुमार मिश्र पुराना बाबा वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण संपायन मल्लजीत प्रधान ललितपुर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हिंदुस्तान ऑटो सेंटर मधुबन आपका ये वेलकम कर रहा है दोस्त। मैं देख रहा हूँ कि ये पांच और छह का मुकाबला चल रहा है इस ग्राउंड पे बेहतरीन आज तो दर्शन हो रहा है सूरज का। कल दर्शन नहीं हुआ था सूरज का आज दर्शन यहाँ पे हुई है सूर्य की किरणों का और ये अच्छी सर्विस सही पास किया गया और चतुराई के साथ कुछ करना चाहा। अब क्रास कर रहे हैं क्रास जरूर किया लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब इसको चेंज करने में कामयाब छह और पांच के स्कोर पे ये मुकाबला चल रहा है। बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला आपके सामने
दोस्ती मुजफ्फरनगर से हरियाणा पार अच्छा पास किया काउंटर है चैलेंज बिल्कुल प्रहार बिल्कुल टाइम का प्रहार कर रहे हैं। दर्शकों का लंबा हजूम दिखा जा रहा है दर्शकों का लंबा हजूम मुजफ्फरनगर श्याम बाबा की फेवरेट टीम रही है सुशील पांडे श्याम बाबा उनको पसंद आ गई है टीम मुजफ्फरनगर और ये अपने इसमें थर्ड लाइन का बेहतरीन प्रहार किया 6-12 के स्कोर पे 6-5 का स्कोर यहाँ पे है बेहतरीन मुकाबला बने रहा है यहाँ पे 12 नंबर ने बेहतरीन प्रहार किया था ये 6-5 का स्कोर है वहाँ पब्लिक ना रे भाग है टीम बहुत रही है संभालने की कोशिश करी कामयाब नहीं हुई और 5-6 सभी 6 हरियाणा 5 मुजफ्फरनगर 6 मुकाबला आपके सामने चल रहा है यहाँ पे कुछ सोचते हुए खेल को दिखाना चाहेंगे और ये खराब सर्विस सर्विस फॉल्ट तो यहाँ पे दोस्त बहुत सारे लोगों का नाम हमारे बीच मौजूद है मैं लोगों का वेलकम कर रहा हूँ खैर वेलकम कर रहा हूँ शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आप लोग हमारे बीच मौजूद हैं सर्विस को चेंज किया हरियाणा सब पाए बलजीत प्रधान ललकपुर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है हिंदुस्तान ऑटो सेंटर मधुबन आपका भी वेलकम दोस्त बड़े बड़े लोग दोस्त यहाँ पे हैं राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित लोगों को मैं सलाम कर रहा हूँ और हिमांशु ने कई जज किया अच्छा जज किया यहाँ पे प्रेम शंकर राय पुतुल राय का ये आयोजन काफी सफल आयोजन रहा है यहाँ पे और कैसे खुश किया पॉइंट में कामयाब 7-5 और ये कामयाब रहे हरियाणा 5 मुजफ्फरनगर 7 है जबरदस्त यहाँ पे है दोनों टीमों का संघर्ष जारी है सही तरीके से अपने खेल को दिखा रहे हैं सही तरीके से पास किया वहां पे और ये हिमांशु लेकिन वहां पे अच्छा डिफेंड कहा जाएगा हरियाणा का और फिर चैलेंज जरूर थे लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे आए खेल नंबर और ये अवेदन बैठे नतीजा ये हुआ 6-7 दर्शकों आपका शुक्रिया लेकिन इस गैलरी को छोड़ गैलरी में ज्यादा लोग ना रहे बहुत बेहतर होगा सही तरीके से मैंने कहा अपने खेल को निकाले 6-7 दर्शक आपका शुक्रिया ये आप जो टूर्नामेंट में 4-4 लगा रहे अच्छा पास नहीं और ये हिमांशु नतीजा ये हुआ 7-7 दोनों टीम का स्कोर बराबर 7-7 दर्शक साथ क्लैपिंग करते रहे ताली बजाते रहे स्कोर बराबर हुआ है 7-7 हुआ ताली तो बजती है ताली बजती है दोस्त लगभग 7-7 ऑल के स्कोर पे तो ये मतलब वहां पे दबाए गए जरूर अब हरियाणा अपने गेम को शो करा हल्का सा लेकिन गलती कर बैठे जीत गया है हरियाणा 1-7 का स्कोर सोचते हुए अपने खेल को दिखाने की कोशिश तैयार होते हुए पीछे चले और फिर आप देखें डंपा स्मैश कर बैठे अंपायर का ऐसा अभी आशीष और ये सर्विस चेंज का ऐसा आया सर्विस चेंज 7-8 के स्कोर पे तो मसरफ भाई भी रहे हैं मैं देख रहा हूँ इस मुकाबले को तो पूरा मजा ले रहे हैं खेल में हिमांशु की अच्छी सही तरीके तो फिर आप देख रहे हैं कि अच्छा बचाव क्या हुआ हिमांशु और हिमांशु की याद आया गया बेहतरीन विकेट लगातार दोनों टीम प्रशिक्षण आसान किए एक लकली इसमें 12 नंबर का बड़ा प्यारा प्रहार एक और पॉइंट 8-8 दोनों टीमें 8-8 के मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अपने गेम के शो कर रही है अच्छा पास किया गया और एक बार तो फिर आप देख रहे हैं ये सर्विस को चेंज करने में कामयाब 8-12 के स्कोर पे 8-12 के स्कोर पे ये खेल आपके सामने चला है तो अभी मैं अपने पूल में टॉप पे कौन आएगी अपने ग्रुप में टॉप की टीम कौन होगी
इसी की लड़ाई है। लेकिन दर्शक का शुक्रिया, लेकिन लंबा हजूर लंबा मनमाए बड़ा क्राउड यहाँ पे आया है, बड़ी भीड़ यहाँ पे आई है इस मोमेंट को देखने के लिए। आठ बाहर के स्कोर पे इस श्री अनंत देव राय आरती देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर के प्रांगण में आए जो दर्शकों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। स्वर्गीय राजेंद्र नाथ राय यौ पंडित श्याम सुंदर स्मृति वॉलीबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने वाले तमाम लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ। राजेश कुमार राय, श्री राम ट्रेडर, लेकिन भी राजा बाबू नहीं आए हैं, राजा बाबू का इंतजार किया जा रहा है इस ग्राउंड पे कि आएंगे तो जलवा बिखेरेंगे। मैंने कहा वीर ने प्रहार किया, सर्विस को चेंज किया है, तो राजा बाबू की कमी जरूर कर रही है यहाँ पे लोगों को कि अभी वो आएंगे तो मजा आए, आ गए, शुक्रिया। तो राजा बाबू आए आ चुके हैं तो उनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आठ बराबर अच्छी सही तरीके के पास, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खुशी के साथ अपने खेल को दिखा रहे हैं, और ये चेंज एक अगे थे आठ बराबर। बहुत ही अच्छे इंसान राजा बाबू, परवरदिगार ने सब कुछ नवाजा है, इस बार में बहुत कुछ दिया है। लेकिन ऐसे लोग इतने सादगी परस्त वाले लोग कब मिलते हैं, जो सादगी मैंने उनकी देखी है सुबह में उठकर अपने हाल की अपने घर की साफ सफाई करते हुए उन लोगों से बातें करते हुए, ये बड़ा अच्छा लगा देखकर। राजा बाबू को भी परवरदिगार ने नवाजा है, लेकिन सादगी उनके अंदर कूट कूट के भरी है, ऐसे लोग कब मिलते हैं समाज में। गाँव अपने प्रधान हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़े फार्मर भी हैं और दोस्त, लेकिन इतनी सादगी इतनी अच्छाई कम लोगों में मिलती है। राजा बाबू आपका धन्यवाद, आपकी जो मेहमान नवाजी थी उस समय सलाम कर रहा हूँ। और यहाँ पे आठ नौ का स्कोर है, नौ यहाँ पे मुजफ्फरनगर है जो श्याम बाबा की फेवरेट टीम है, और आठ हरियाणा है, और हरियाणा के छोले क्या करेंगे, किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे, चमकेता अच्छी समिति सही पास किया गया। वीर यहाँ पे लंबाई का पूरा फायदा, हल्के से हाथ को रख दिया, सुभा राय की याद आ रही है, वीर को देखकर सुभा राय जो सिर्फ ब्लॉक और उसके बाद शहर के फुलके से किसी में सिया करते हैं, मुझसे मुंबई में बहुत मिलते हैं सुभा राय, उनकी याद आई वीर को देखकर बेहतरीन। और ये बेहतरीन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब ये ब्लॉक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वीर का नाम अगर यहाँ वीर रख दिया जाए तो और अच्छा होगा। कुछ भी कहा जाए दोस्त, वीर या महावीर, लेकिन खेल बहुत प्यारा दिखा रहे हैं वीर। दस खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं वहाँ पे हिमांशु ने संभाला है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि बेहतरीन। तो दोस्त ये सत्यम राय जो कोषा अध्यक्ष हैं उनको देखकर मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक ही दिन है कितनी बार जीतोगे, एक ही दिन है यार कितनी बार जीतोगे। सत्यम राय और रवीश राय ये दो चेहरे ऐसे हैं, और हिमांशु लव प्लेस में भाई हिमांशु 10 अगस्त। दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि कम से कम तालियां थोड़ा उत्साह वर्धन करते रहे खिलाड़ियों का। यहाँ पे मैंने कहा सही तरीके से बात जरूर करना चाहा, आप देखा है कि यहाँ पे और ये 9-10 का स्कोर। राजा बाबू का इनाम आया, शुक्रिया राजा बाबू, धन्यवाद। जीतने वाली टीम को 500 रुपए के इनाम, और तीनों कमेंटेटरों को भी इनाम में लिख रहा हूँ यहाँ पे आया है राजा बाबू की तरफ से, शुक्रिया राजा बाबू जो आप इनाम यहाँ पे दे रहे हैं। सुजीतान रिकुंजय वर्मा 500 रुपए के नाम जीतने वाली टीम को, रवि भैया ये सिंहासन साहब जमा किया, रिकुंजय वर्मा भावी प्रधान पद के प्रत्याशी 500 रुपए के नाम दे रहे हैं। रिकुंजय वर्मा भी जीतने वाली टीम को, ये सिंहासन साहब ये 400 रुपए के नाम आया है, 400 रुपए बेटर जी अभी ये इनाम मिलेगा। राजा बाबू शुक्रिया, कमेंटेटरों को भी इनाम अब मिलने लगा है,
9 और 11 हरियाणा 9 मुजफ्फरनगर 11 और पश्चिम प्रेम चतुराई के साथ वहां पीछे लिखा जा रहा है कि जीतने वाली टीम को बड़ा इनाम यहां पे आ रहा है। अजेंदर राय सूरतपुर हारने वाली टीम को 201 रुपए की इनाम क्या इनाम आया दोस्त नहने पे टहला है हार जीत को पार साफ गेम है लेकिन खेलिए जीतेंगे तो इनाम हारेंगे तो इनाम आनंद देव राय आरती देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय ये बता रहा है ये सफल आयोजन की एक मिसाल पेश किया है एक उदाहरण दिया है कि ये सफल टूर्नामेंट है दोस्त ये जबरदस्त खेल यहाँ पे सब कुछ देखा जा रहा है सब कुछ और कमेंटेटरों को इनाम कौन देता है यहाँ पे इनाम कमेंटेटरों को मिला है हारने वाली टीम को मिला है जीतने वाली टीम को मिला है सबको मिला है कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा और हर एक मैच में इनाम मिला है दोस्त तो ये स्वर्गीय राजेंद्र नाथ राय एवं पंडित स्वर्गीय श्याम सुंदर मिस स्मृति टूर्नामेंट के ये सफल आयोजन का ये करिश्मा है इस कमेटी के लिए मैं कह रहा हूँ दोस्त एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे एक ही दिल है दोस्त और कितनी बार जीतेगी जीतेगी ये कमेटी और फिर वहां पे बड़ा प्यारा खेल चला है दोनों टीम के बीच और हल्का सा वहां पे दिया लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं तेज प्रहार जरूर किया मानसिक में संभाल दिया और हल्का सा और ये थर्ड लाइन का जरूर करना चाह लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये चेंज तो ये सिंहासन साहब सिंहासन ये 200 रुपए के नाम हारने वाली टीम का आया दोस्त इसको आप अपने पास रख ले तो बड़ा बेहतर होगा 11 और 9 का स्कोर अंपायर के विसल का इंतजार करें प्लीज अंपायर का विसल की क्या होता भाई का बोला भाई का बोला बोला सही है तो दोस्त ये अच्छा मुकाबला चल रहा है यहाँ पे और ये दिलकश नजारा हरियाणा और मुजफ्फरनगर के बीच ये चलता हुआ ये कोई बहुत प्यार अंदाज का 10 और 11 10 11 हरियाणा और प्रेम खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं कि मुकाबला चल रहा है फिर वहां पर अच्छा ब्लॉक किया गया करण के द्वारा 11 बराबर दोनों टीम का स्कोर बराबर और ये निधि पॉइंट सर्विसमैन हरियाणा ट्यूवेल अगेंस्ट इलेवन हरियाणा 12 मुजफ्फरनगर 11 और ये हिमांशु में फ्रंटलाइन का बेहतरीन प्रहार किया हिमांशु मुजफ्फरनगर टीम एक पॉइंट जरूर पिछड़ रहा है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी वो पलटा वार करना जानता है अंपायर की डिसीजन सही तरीके से और 12 बराबर दोनों टीम का स्कोर बराबर यहाँ पे है दोनों टीम का स्कोर यहाँ पे बराबर है दोस्त यहाँ फिर आप यहाँ असल की वहां पे देखते रह गए 12 बराबर का स्कोर यहाँ पे यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है कि दर्शकों का जो हुजूम है एक आवाज होनी चाहिए एक हर्षोल्लास होना चाहिए मैच में जो होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है दर्शक खामोश नजर आ रहे हैं यहाँ दर्शकों का हुजूम है जिस तरीके का और जिस तरीके का गेम नजर आ रहा है यहाँ
ही होता है, किसी गेम में ताली और ससुराल में गाली ये जरूरी होता है। अगर ससुराल में आप गए हैं और खाना खाते समय अगर वहाँ गाली ना हो तो उसका कोई मायने नहीं होता है। वैसे ही कोई भी गेम हो उसमें ताली बहुत जरूरी होती है। तो दर्शक का अपने देश के कम से कम ताली बजा दें, थोड़ा सा उत्साह जरूरी है। बहरहाल मैच इस तरह मुजफ्फरनगर से हरियाणा के बीच हुआ और अच्छी गेम वहां पर नजर आ रही है। दोनों ही खिलाड़ी इस समय एक स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं और सर्विस चेंज मुजफ्फरनगर 13 हरियाणा 12। और ये सेमीफाइनल की दौड़ चल रही है। कहा जाता है कि सेमीफाइनल की हार और पुलिस की मार जिंदगी भर याद रहती है। अगर यहाँ से आप हारते हैं तो हताश निराश इस ग्राम से चले जाते हैं और आप बड़े ही देर से हमारे स्कोरर जो पहले निगाह में अपनी जमाए हुए हैं मैं उनके लिए ही वसीम माटा का बहुत बड़ा नाम है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ सर्विस चेंज के बीच मैच काफी अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हरियाणा वर्सेज मुजफ्फरनगर के बीच ये गेम ही नहीं बल्कि सबका दिल जीत रहा है। कमाल की सर्विस इस समय खिलाड़ियों द्वारा बहुत अच्छा बड़ा मुजफ्फरनगर की तरफ से और इस तरह से